Friends, once again welcome to my channel B&F&F, benefit, feature and function. Dear all, you all know that always I giving you the latest products, review, demo, benefit and features of all type of products, and give you the knowledge about the new and latest product and tell you the what is the difference between all type of products. और आज मैं आपके लिए इस वीडियो में जो लेके आया हूँ, यहाँ पे मैं आपको LG कंपनी के स्प्लिट एसी के कंप्लीट फीचर्स बेनिफिट बताने जा रहा हूँ और इनमें क्या है LG फीचर्स दे रहा है, उनको कैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, और इसका क्या आपको बेनिफिट है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि LG अपने स्प्लिट एसी जो दे रही है 2020 में, उनमें क्या फीचर्स आपको दे रही है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप जैसे सभी जानते हो कि यू ऑल नो दैट LG इज अ वर्ल्ड लीडर ब्रांड एंड रनिंग अराउंड द मोस्टली कंट्रीज ओवर ऑल द वर्ल्ड एंड गिविंग यू द गुड बेटर बेस्ट क्वालिटी बियॉन्ड द वर्ल्ड एंड LG एंड और आप सभी जानते हैं कि LG एक ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट दे रहा है। बाकी कंपनी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स देती है, लेकिन LG जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में आपको फीचर्स दे रहा है जिनके आपको बेनिफिट है, वो आपको किसी भी कंपनी में नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले आइए तो मैं आपको बताता हूँ इसके स्प्लिट एसी 2020 के फीचर्स, फंक्शंस और उनके बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो LG कंपनी अपने स्प्लिट एसी में दे रहा है, ड्यूल कूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। अब ड्यूल कूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का यहाँ पे LG जो दे रही है, इसका मतलब क्या है, इसको अगर एक्सप्लेन करता हूँ तो वो क्या है कि ड्यूल कूल का यहाँ पे मतलब है LG जो कंप्रेसर यूज कर रहा है अपने इन्वर्टर एसी स्प्लिट एसी में, वो ड्यूल रोटरी कंप्रेसर है, मीन्स रोटरी कंप्रेसर। और इस रोटरी कंप्रेसर के अंदर इन्होंने ड्यूल रोटर्स यूज किए हैं, जो क्या करते हैं कि बाकी कंपनियों के इन्वर्टर एसी में सिंगल रोटर्स होता है जो कि रोटेट होने में टाइम लेता है और गैस को पंपिंग करने में उसको टाइम लगता है, लेकिन ये जो ड्यूल रोटर कंप्रेसर है ये क्या करते हैं, इनकी स्पीड एक तो ज़्यादा होती है और डबल होने के कारण जो गैस की पंपिंग स्पीड है उसको ये बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, एक तो कूलिंग फास्ट होती है, नंबर दो दूसरा क्या है, कूलिंग फास्ट होने के साथ साथ वाइब्रेशन भी कम होगी, और अगर वाइब्रेशन कम होगी और कूलिंग जल्दी फास्ट होगी तो आपकी एनर्जी भी सेव है। ये तीन इसके सबसे बड़े बेनिफिट है। और अगर मैं दूसरी इसमें बात करूं तो दूसरा जो मेन फीचर ये दे रहा है LG स्प्लिट एसी में 2020 के मॉडल में, वो है 4-in-1 कन्वर्टेबल। अब LG क्या है कि LG का कोई भी एसी है 2020 का, उसके रिमोट पे एक बटन बना होगा 4-in-1। 4-in-1 का यहाँ पे मतलब है कि जो एसी आप LG का चला रहे हैं या जो आपने खरीदा है, जैसे कि आपने LG कंपनी का 1.5 टन का फॉर एग्जांपल आपने कोई एसी खरीदा है, तो एसी जो खरीदा आपने उसके रिमोट के ऊपर एक बटन होगा 4-in-1 जो बटन है, इसका मतलब है कि जो एसी आपने लिया LG का, इसको आप 4 टनेज वेरिएशन पे चला सकते हैं। मींस अगर आप इसको एक बार प्रेस करते हैं तो आपका जो एसी 1.5 टन पे मींस 100% पे काम करेगा, दूसरी बार आप इसको प्रेस करते हैं तो आपका एसी जो 80% मींस 1.2 टन सवा टन का काम करेगा, और रिमोट पे ये शो भी करेगा कि 80% पे काम कर रहा है, तीसरी बार प्रेस करने के बाद ये 60% मींस 0.9 टन मींस पौना टन में कन्वर्ट हो जाएगा, और चौथी बार प्रेस करने के बाद ये जो है 0.6 मींस जो है आधा टन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे आप इसको रूम के अकॉर्डिंग या जैसे कि जितने पर्सन है रूम के अंदर उसके अकॉर्डिंग आप इसको, इसकी टनेज वेरिएशन है जो, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, टनेज वेरिएशन इसकी घटाव बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से कि आपका जो है एनर्जी सेविंग है, एक आपको कंफर्ट कूलिंग मिलेगी। और इसके बाद अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो इसमें उसके बाद जो आपको फीचर्स मिल रहा है वो है हाई ग्रूव कॉपर पाइप्स। जो LG कंपनी है ये जो अपनी कॉपर पाइप्स दे रहा है, 100% जो कॉपर पाइप्स दे रहा है स्प्लिट एसी में, वो हाई ग्रूव कॉपर पाइप्स है। अब ग्रूव का यहाँ पे मतलब है कि जो इसकी पाइप है उसमें एक तो लाइनिंग बनी हुई है, दूसरा क्या, इन्होंने जो कॉपर इसमें यूज किया वो हैवी है। आम आप किसी भी कंपनी में एक मीटर पाइप बनाने में अगर कॉपर लगता है तो वो 30 ग्राम लगता है, जो ग्रूव पाइप है उसमें 47 ग्राम लगता है, लेकिन जो LG की है इसमें 53 ग्राम कॉपर का जो है इस्तेमाल किया गया है एक मीटर पाइप को बनाने के लिए, जिससे कि इसमें क्या है, दो चीजों का बेनिफिट है, नंबर एक ग्रूव होने के कारण जो है गैस स्लो चलेगी जिसकी वजह से चिलने से ज्यादा होगी, कूलिंग फास्ट होगी, दूसरा आपको क्या बेनिफिट है इसका, दूसरा ये बेनिफिट है कि इसकी जो है लाइफ ज्यादा है, मींस इट्स लॉन्ग लाइफ है। और इसके बाद अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो जो LG दे रहा है स्प्लिट एसी में, उसमें आपको मिल रहा है 10 ईयर की कंप्रेसर वारंटी,
और 10 ईयर गैस की वारंटी। अब 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी तो हर एक कंपनी दे रही है, लेकिन अगर किसी भी वजह से कंप्रेसर की वजह से अगर आपके एसी की गैस लीक हो जाती है तो बाकी कंपनी आपको जो है क्लेम नहीं देगी, लेकिन एलजी चीज की भी गारंटी देती है आपको, जो इस चीज की भी वारंटी देती है कि अगर आप कंप्रेसर की वजह से आपकी गैस लीक हो जाती है तो 10 साल तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस गैस के कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वो है फिल करके देगी कंपनी की तरफ से। और उसके बाद में अगर मैं फीचर्स की इसमें बात करूं तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, मेजर फीचर्स जो कि किसी भी कंपनी में आपको नहीं मिलेगा, लो गैस डिटेक्शन। अब लो गैस डिटेक्शन का यहाँ पे मतलब है, लो का मतलब कम और गैस का मतलब तो गैस होता ही है, और इसके अलावा डिटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो पता लगाना, मीन्स अगर इसके एसी में ये ऐसा एक फीचर दिया हुआ है, अगर इसमें गैस कम हो जाती है तो इसका जो डिस्प्ले है जिसको कि मैजिक डिस्प्ले बोलते हैं, हिडन डिस्प्ले इसकी है, उसमें लिखा जाएगा CH38 मीन से CH38 लिखाएगा, जिसका मतलब है ये इसका एरर कोड है लो गैस डिटेक्शन का, कि आप समझ जाएंगे कि जो एसी हमने लिया एलजी का इसमें गैस कम हो चुकी है तभी एरर दे रहा है, अदरवाइज इसमें गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मामूली सी कूलिंग कम होती है, आप मैकेनिक उसी मैकेनिक को बुलाते हैं बाहर से, वो आपके एसी को इंडोर को चेक करता है, आउटडोर को चेक करने के बाद आपको बोलते हैं कि इसमें गैस कम है, और गैस बिना डाले ही वो आपसे गैस के चार्जेज है वो ले लेता है, तो उससे आप बच सके, इसीलिए एलजी ने अपने एसी में लो गैस डिटेक्शन का जो फीचर है वो ऐड किया है। इसके बाद अगर मैं इसमें बात करूं तो जो एलजी का जो ये एसी है ये हाई टेम्परेचर कूलिंग स्कोर 5 है। इसका मतलब है कि अगर बाहर हाई टेम्परेचर है तब भी जो एलजी कंपनी का एसी है बाकी कंपनियों के मुकाबले इसकी जो कूलिंग परफॉर्मेंस है वो बेटर रहती है, इसीलिए इसको हाई टेम्परेचर कूलिंग स्कोर है वो 5 दिए गए हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके आउटर टेम्परेचर की, तो जो ये एलजी कंपनी का एसी है ये आउटर टेम्परेचर 52 डिग्री आउटर टेम्परेचर पे काम करता है, मीन से एक हाई टेम्परेचर 52 डिग्री तक भी इसका जो कंप्रेसर है वो काम करेगा, इसका कंप्रेसर बंद नहीं होता। नॉर्मली आप देखते हो कि भी बाकी कंपनियों की जो पीसीबी है वो फेल हो जाती है और जो है जो कंप्रेसर है वो भी काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन इसका जो कंप्रेसर है वो आउटर टेम्परेचर 52 डिग्री तक काम करेगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 100% मैजिक डिस्प्ले मिल रही है। मैजिक डिस्प्ले का यहाँ पे क्या मतलब है, मैजिक डिस्प्ले का मतलब है कई बार आपकी कंपनी के एसी लेते हैं वो आप अगर रूम में चलाते हैं तो रात को उसकी जो डिस्प्ले है वो आपको इरिटेट करती है, डिस्टर्ब करती है, लेकिन इसकी जो डिस्प्ले है आप इसको एक बार चलाने के बाद डिस्प्ले जब देखना चाहो तब आप इसको ऑन कर सकते हैं, तब चाहो आप उसको ऑफ कर सकते हैं, इसीलिए इसको मैजिक डिस्प्ले का नाम दिया गया है। और इसके बाद अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो इसमें आपको एक और फीचर्स इजी क्लीन दिया हुआ है। अब इजी क्लीन का इसमें इसके अलावा जो एलजी अपने एसी में दे रही है इजी क्लीन फिल्टर, इसका मतलब है कि जो 2020 की आपको एलजी का जो आप एसी देखोगे उनमें आपको एक फिल्टर है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ इजी क्लीन फिल्टर है, मीन्स आपको इजी से उनको रिमूव कर सकते हैं और बाद में इजी से आप उनको वापस वहां पे लगा सकते हैं, और कोई भी आपको इसका फ्लैप वगैरह या जो पैनल होता है उसको रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए उन्होंने इजी क्लीन दिया है ताकि आप फिल्टर है वो उनको आप इजी से निकाल सको और आसानी से आप उसको उनको साफ कर सको। इसके अलावा अगर मैं एलजी कंपनी की आउटर डोर यूनिट की अगर बात करूं तो आउटडोर जो यूनिट है आउटडोर यूनिट में जो एलजी जो फीचर्स दे रहे हैं उसमें सबसे पहले ये जो दे रहा है वो है ओशियन ब्लैक फिन। अब ओशियन ब्लैक फिन क्या है कि आप देखते हो कि नॉर्मली कुछ कंपनी के जो एसी है उनमें जो कंडेंसर होता है वो आपको या तो सिल्वर मिलता है या ब्लू मिलता है, लेकिन इसमें क्या है कि इन्होंने उस फिल्टर पे जो फिन्स होते हैं उस पे भी आपको ओशियन ब्लैक फिन्स दे दिए गए हैं। जो फिन्स है वो ओशियन ब्लैक फिन्स है जिनकी वजह से कि कोई भी चीज आपको पता है कि मिट्टी हवा और पानी लगने की वजह से रस्ट लग जाता है और रस्ट लगने के कारण वो खराब हो जाती है, इसी तरीके से जो फिन है वो पाइप को ढकने का काम करते हैं, और जो फिन्स है अगर उन पे कोई कोटिंग नहीं होगी तो हवा मिट्टी और पानी की वजह से रस्ट लगने के बाद वो फिन्स है वहां से भुरने स्टार्ट हो जाएंगे, और जिनकी वजह से आपकी पाइप है वो कॉपर पाइप नंगी हो जाएगी, उसको या तो डायरेक्ट गर्म हवा लगेगी या धूप लगेगी जिसकी वजह से कि आपकी जो कूलिंग है अंदर रूम में मीन से जो कूलिंग है वो कम हो जाएगी और कंप्रेसर पे भी लोड पड़ेगा, दोनों चीजों में आपका जो है बेनिफिट नहीं रहेगा, इसीलिए इन्होंने ओशियन ब्लैक फिन्स दिए हैं जिसकी की लाइफ ज्यादा है, लॉन्ग लाइफ है, रस्ट फ्री है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो फिन्स बाकी आप देखते हो कंडेंसर में जो फिन्स होते हैं उनके बाहर जो कुछ पाइपिंग होती है अराउंड शेप में उनके ऊपर इन्होंने ओशियन ब्लैक प्रोटेक्शन दी है, ओशियन ब्लैक प्रोटेक्शन कोटिंग की हुई है जिससे क्या है कि वो पाइप है बार साइड किसी भी तरीके से जैसे सीवरेज एरिया में कभी हम आउटर यूनिट फिट कर देते हैं तो उसका जो है कंडेंसर जो कोयल है वो बाहर से गलनी स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से क्या है कि जो ये पाइप्स है बिल्कुल भी रस्ट फ्री कोटिंग इन पे कर दी गई है जिनसे इनसे रस्ट नहीं लगेगा और आपको इसमें पाइप की जो है लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एलजी कंपनी जो आपको ये फीचर्स दे रहे हैं इसमें एक और आपको जो फीचर्स वो मिल रहा है वो है एलजी थैंक यू।
एलजी जो थिंक यू है, जो इसकी ऐप है, जो कि आपको एप्पल स्टोर में या आईफोन स्टोर से, आप एप्पल जो स्टोर है या आईफोन स्टोर है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड फोन के प्ले स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये जो ऐप है एलजी थिंक यू, इस ऐप को आईओटी मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी बोला जाता है, क्योंकि इस ऐप के जरिए आप इंटरनेट ऑफ थिंग चला सकते हैं। मीन्स जो आपने एसी परचेज किया एलजी का, उसको आप वर्क विद वॉइस कमांड मीन्स वर्क विद गूगल असिस्टेंट और वर्क विद अलेक्सा, इन दोनों चीजों से आप इसको चला सकते हैं। और ये जो एलजी कंपनी का एसी है, इसमें आपको साथ ही साथ एक और जो है मोड मिल रहा है, वो है मॉनसून कंफर्ट मोड। और मॉनसून कंफर्ट मोड का मतलब है कि जो ह्यूमिडिटी, इसके अलावा जो ये एक एलजी अपना मोड दे रहा है वो है मॉनसून कंफर्ट मोड। अब इसमें मॉनसून कंफर्ट में क्या है कि कई बार क्या होता है, जब ह्यूमिड वाला मौसम होता है मीन्स ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, तब आपको क्या है, आप इंटरनल टेम्परेचर सेट करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो टेम्परेचर है आउटर टेम्परेचर से मैच ना करने की वजह से, जो आउटर टेम्परेचर है घटता बढ़ता रहता है, घटता बढ़ता रहता है, जिस वजह से क्या है कि आपका जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल में नहीं रहता, और जिसकी वजह से कंट्रोल ना होने की वजह से जो आपका ह्यूमिडिटी है इंटरनल वो कंट्रोल नहीं होता, और जिसकी वजह से आपको क्या है कंफर्ट कूलिंग नहीं मिलती। और मॉनसून कंफर्ट में क्या है कि ये आप मोड अगर ऑन कर देते हैं तो ये आउटर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली जो है टेम्परेचर है वो सेट कर लेता है फोर वे स्विंग। और एलजी अपने एसी में फोर वे स्विंग दे रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही प्रकार का आपको जो है फोर वे स्विंग मिलेगा। और इसके साथ साथ जो एलजी है वो स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन दे रहा है, जो है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है, इट मीन्स जो एलजी कंपनी के 2020 के जो सप्लिट एसी हैं उनकी जो वर्किंग रेंज है वो 120 मीन्स 120 वोल्ट से लेके 290 वोल्ट तक वो काम करेंगे। मीन्स अगर 120 वोल्ट तक आपकी लाइट आ रही है तो आपको स्टेबलाइजर की उस पर कोई जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ अगर मैं वारंटी की बात करूँ तो आपको इस टाइम 2020 के मॉडल की आपको जो वारंटी मिल रही है वो आपको वारंटी मिल रही है, इसमें 10 ईयर कंप्रेसर, 10 ईयर गैस की और 1+4 ईयर आपको पीसीबी की वारंटी है वो मिल रही है। और वो बहुत पीसीबी है इंडोर यूनिट और आउटर यूनिट की। और इसके साथ साथ आपको जो है एलजी आपको दे रहा है हिमालय कूल। अब हिमालय कूल क्या है कि कई बार आप गर्मियों के मौसम में अंदर आते हैं तो एसी को आप ऑन करते हैं तो एसी को कूलिंग करने में टाइम लगता है, लेकिन उस पर एक रिमोट दिया हुआ है जिसपे लिखा है हिमालय कूल। जब वो बटन आप दबा देते हैं तो इसमें क्या है ये इंस्टेंटली फास्ट कूलिंग करता है, की वजह से कि आपको एक कंफर्ट और फास्ट कूलिंग मिलती है और जल्दी ही आप करूं में वो ठंडा हो जाता है। और इसमें अगर हिमालय कूल में अगर मैं बात करूं तो इसमें जो स्विंग है वो अप डाउन ही काम करेगा, क्योंकि ये ऑटोमोड पे होता है और ये आपको एक कंफर्ट कूलिंग और फास्ट कूलिंग देता है हिमालय कूल बटन प्रेस करने के बाद। अगर मैं कूल मिला के यहां पे बात करूं तो ये जो इतने सारे एलजी कंपनी के फीचर्स हैं जिनके आपको बहुत सारे बेनिफिट है, तो अगर मैं बात करूँ बाकी कंपनियों से इसके मैं मुकाबले की बात करूँ तो बाकी कंपनियों से इसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि कुछ क्या कंपनियां जिनमें से 2-3 कंपनियां ऐसी जो आपको मैं मोस्ट फीचर्स दे रही हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा फीचर्स है वो आपको एलजी कंपनी के इन एसी में मिलेगा। और ये जो फीचर्स आपको किसी कंपनी में नहीं मिलने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। प्रेजेंटेड बाय भूपिंदर सिंह, B&F&F, बेनिफिट फीचर एंड फंक्शन। और अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। प्रेजेंटेड बाय भूपिंदर सिंह, B&F&F, बेनिफिट फीचर एंड फंक्शन।